अभी हम ये कटिंग्स लगाने लगे हैं और साथ में हम ये सीड सोइंग करने लगे हैं। ये जो कटिंग है हमारे पास ये सेमी हार्डवुड की है, अभी जो सीज़न चल रहा है वो सेमी हार्डवुड का है। जब जनवरी फरवरी होगा तो फिर सॉफ्ट वुड का सीज़न होगा, तब तक जो है वो इसकी रोज़ की कटिंग जो है वो आप ग्रो कर सकते हैं। ये हमारे पास कटिंग के लिए रोज़ है हमारे पास, पोमग्रेनेट यानी अनार है हमारे पास, और फिर सीड सोइंग में हमारे पास ये बहुत ही छोटा सा सीड है यूकलिप्टिस का, हम इसे जो है वो ग्रो करेंगे। इसके लिए हमारे पास कटिंग लगाने के लिए हमें ये कटर चाहिए, हमने इसे पहले से कट किया, इसका ये लॉक खोल लेंगे हम। इसके बाद ये कटिंग है, इसके लिए दो रिक्वायरमेंट आपकी आपकी एक तो ये 8 से 9 इंच लेंथ की होनी चाहिए, दूसरा ये पेंसिल थिकनेस की ऑलमोस्ट होनी चाहिए, तब ये अच्छा ग्रो करेगी। अब इसकी कटिंग करनी है तो इसकी कटिंग के लिए हम देखेंगे कि हमें इसके ऊपर नोड्स और इंटर नोड होते हैं, तो हम इसको नोड के पास से स्लांट कर देंगे। साइंटिफिकली से कहते हैं कि आपने 45 डिग्री का कट देना है इसको, तो ये 45 डिग्री का कट इसलिए देते हैं ताकि ये जो है वो इसका जब हम इसे अंदर जो है वो दबाएंगे तो ये रेजिस्टेंट काम फेस करेगा और ये इजीली आपकी सॉइल के अंदर चला जाएगा। इसको लगाने के लिए हमारे पास ये पॉलीथीन बैग्स हैं, इनके अंदर हमने ये होल किए हुए हैं और इसके ऊपर हमने मार्किंग की हुई है, हमारे अपने फैक्टर्स हैं S1 फॉर सॉइल, हम दो तरह की सॉइल यूज़ कर रहे हैं, या तो हमने नर्सरी से सॉइल ली हुई है या फिर हमारे पास गार्डन सॉइल है, यहाँ पे हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और फिर साथ हमारे पास वाटर यानी कि इरीगेशन का फैक्टर है, जिसका हम 2 डेज इरीगेशन, 4 डे इरीगेशन और 6 डे इरीगेशन इंटरवल रख लें। इस पॉलीथीन बैग के अंदर जो है हम सॉइल यहाँ तक इसको फिल कर लेंगे, यहाँ तक फिल करेंगे इस ये जो होल्स हैं लास्ट वाली इससे ऊपर तक फिल करेंगे, ताकि जो है वो पानी जो है वो लॉस ना हो, नीचे तक ना चला जाए। और हम यहाँ पे इसे फिल करने के बाद, ये बहुत ही मैन्यूट सा सीड है तो ये हम इसे थोड़ा सा ऐसे स्प्रिंकलर इसके ऊपर करने के बाद इसके ऊपर मिट्टी की मुट्ठी भर के इसके ऊपर उसको छिड़क देंगे और इसको इरीगेट कर देंगे। इरीगेशन के लिए यहाँ तो हम स्प्रिंकलर यूज़ करेंगे, हमारे पास वो एक शावर पड़ा हुआ है इरीगेशन के लिए लैब में, हम उसको यूज़ करेंगे और इसके अंदर शावर से पानी डालते जाएंगे और पानी जो वो सीप होता हुआ यहाँ तक इसको सारे को जब कर देगा। हमें नज़र आ रहा है ये क्लियर बैग है तो इसमें पता चल जाएगा, हम इसको रख देंगे। सेम इसी तरह से फिल करने के लिए अगर हम कटिंग के यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये कटिंग है और हम इस कटिंग को यहाँ पे देखें तो ये इस तरह से इस साइड में हम लगा देंगे इसमें, ये इसमें ऑलमोस्ट हम कोशिश करेंगे 2 नोड्स जो है वो इस सॉइल के अंदर हों और जो है वो 4-5 इंच जो है वो इससे ऊपर रह जाएगा। इस कटिंग हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे और बाद में इसको जो है वो इरीगेट कर देंगे, ठीक है। इसको फिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको इसके अंदर फिल करें सॉइल को और फिर उसे ऐसे जो है वो शेक करें ताकि जो सॉइल है वो अच्छी तरह से सेटल हो जाए, और उसके बाद यहाँ से फिर इसको फिल करके यहाँ तक साइज से लेंगे। जब तक यहाँ तक साइज नहीं आएगा इसका फिलिंग का, वहाँ तब तक आप इसे फिल करते रहें और शेक करते रहें। क्योंकि ये इस तरह से इसके अंदर लगी हुई है और हम इसके ऊपर ये वाले शॉपर हमने लिए हुए, ये शॉपर हम इसके ऊपर ऐसे चढ़ा देंगे और साथ हमारे पास रबर बैंड है, ये रबर बैंड इसके ऊपर हम इसको चढ़ा देंगे और इसके अंदर यही रह जाएगा। हम 5 दिन के बाद देखेंगे तो इसमें डेफिनेटली ट्रांसपिरेशन से वेपोरेशन से इसके अंदर मॉइस्चर होगा, हम इसको उतारेंगे दोबारा से और इसका सारा मॉइस्चर ऐसे गिरा देंगे नीचे, ठीक है, ताकि ये फिर से क्लियर बैग बन जाए। और ये से ऐसे दोबारा से करने के बाद हम एक बार फिर से 4 से 5 दिन के बाद इसके ऊपर लगाएंगे। ये जो हमारे पास कटिंग है ये 12 से 15 दिन के बाद जब वो सप्रोटिंग अच्छी सी शुरू कर देगी और ये जो सीड है ये हमारे पास 7 से 8 दिन में हमें इसकी ग्रोथ नज़र आ जाएगी, जर्मिनेशन नज़र आ जाएगी। जी अभी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ हैं और ये स्टूडेंट यहाँ पे जो है वो फिलिंग कर रहे हैं इन्हीं पॉलीथीन बैग्स की। ये अभी हम इनसे एक पॉलीथीन का बैग पकड़ के देखते हैं। जी बेटा ये दीजिएगा, ये देखें हमारे पास, ये हमने इसको जो है वो यहाँ तक ऑलमोस्ट जो है वो कोई 85% तक इसे फिल किया हुआ है और यहाँ पे ये देखना है हमने कि ये हमने होल से थोड़ा सा ऊपर रखना है और बाद में इसको जो है वो फिंगर से प्रेस भी कर दें, थोड़ा शेक कर दें ताकि इसके अंदर जो मिट्टी है वो सेटल हो जाए और एयर स्पेसिस ना रहे, क्योंकि अब जब इसको पकड़ेंगे तो फिर इसके बाद जो इसमें जो फिर से गैप होंगे। इसके ऊपर सीड को स्प्रिंकल करेंगे और हैंडफुल ऑफ जो सॉइल होगा वो इसके ऊपर पोर कर देंगे। जी तो ये 6 से 7 दिन के बाद हम दोबारा से, हमने ये लास्ट फ्राइडे को लगाया था एक्सपेरिमेंट और अब दोबारा से वेंसडे है यहाँ पे, तो 6 दिन के बाद हम दोबारा से इसी जहाँ पे हमने पॉट रखे थे, पॉलीथीन बैग्स रखे थे, वहाँ पे आए। तो इनके जो ऊपर हमने शॉपर चढ़ाया था उसके अंदर मॉइस्चर वेपोरेशन और ट्रांसपेरेशन की वजह से काफ़ी जमा हो गई थी, जिसकी वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी जो थी वो कम हो गई थी। तो क्योंकि हमें इसे ट्रांसपेरेंट बनाना है ताकि जो लाइट है वो इसमें से पेनिट्रेट कर सके और या सीड है या जो भी कटिंग लगी हुई है उसको लाइट मिल सके, तो उसको हम दोबारा से उनके ऊपर जो कवरिंग की हुई थी हमने रबर चढ़ा के, हम उनको जो है वो उतार रहे हैं और इसको दोबारा से शेक करके साइड पे ट्रांसपेरेंट दोबारा से बनाने के लिए। ये हमारे स्टूडेंट है, कुछ बहुत ही माशाल्लाह से मेहनती स्टूडेंट है हमारे साथ, इनको हमने यहाँ पर बुलाया हुआ है
और साथ इनके ये जो है वो एक्सपेरिमेंट का जो फर्दर इसको साथ लेके चलना है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इनको दोबारा से ट्रांसपेरेंट बना के इनके मॉइस्चर निकाल के अच्छी तरह से और हम दोबारा से इसके ऊपर लगा रहे हैं, और फर्दर जो है वो डाटा हम नेक्स्ट वीक इसका फिर से रिकॉर्ड करेंगे।